और चलिए सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। तो मानस पर छिड़ा सियासी महाभारत और प्रचंड होता जा रहा है और अब इस मामले पर बसपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ चुके हैं। अपने ट्वीट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ रामचरित मानस या मनुस्मृति नहीं बल्कि भारतीय संविधान है। संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वंचित तबकों को शूद्र नहीं बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की संज्ञा दी है और सपा इन्हें शूद्र कहकर उनका अपमान न करे और न संविधान की अवहेलना करे। बसपा प्रमुख मायावती के ट्वीट पर सपा की ओर से भी तल्ख टिप्पणी की गई है। अखिलेश यादव ने मायावती के इस बयान को बीजेपी का चालबाजी बताया है। बीजेपी होशियार पार्टी, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। सपा ही नहीं, कांग्रेस ने भी मायावती पर करारा प्रहार किया और कहा है कि मायावती रणनीति के तहत भाजपा को बचाने वाला बयान देती है। बहन जी ने हमेशा से ये काम किया है, जब जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है बहन जी से उबारने काम करती है। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को कहा था कि धर्म की आड़ में की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणियों का दर्द केवल महिलाएं और शूद्र ही समझ सकते हैं और इसी पर मायावती ने ट्वीट करके सपा को जवाब दिया है। इधर 28 साल पहले यूपी में हुए गेस्ट हाउस कांड का जिन एक बार फिर से बाहर निकला है। एक बार फिर मायावती ने गेस्ट हाउस के हवाले से सपा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। शूद्र पॉलिटिक्स पर मायावती ने अखिलेश यादव को सियासी तौर पर घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 2 जून 1995 की घटना को याद करके अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। इधर मायावती के ट्वीट पर जवाब समाजवादी पार्टी की ओर से भी आया है। शफीकुर रहमान बर्क ने मायावती से पूछा कि 2019 में साथ लड़ने वाली मायावती को इतनी पुरानी बात अब क्यों याद आ रही है। बहुत पुरानी बात हो गई, तो हालात दूसरे थे उस वक्त, इस वक्त हालात दूसरे हैं। गेस्ट हाउस कांड को लेकर भाजपा ने भी सपा को निशाने पर लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से गुंडे माफियाओं के साथ रही है और राम का उसने हमेशा विरोध किया है। सब विकास विरोधी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, गुंडागर्दी और अराजकता का संरक्षण करने वाले लोग हैं और इनको जनता ने नकार दिया है। बीजेपी नेता राजेंद्र अग्रवाल ने उस कांड का हवाला देते हुए ये भी बताया कि उस दिन किसने मायावती को बचाया था। बड़ा शर्मनाक वो एक अध्याय है उत्तर प्रदेश की राजनीति का और हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने जाकर के उनकी जान बचाई। जाहिर है मानस पर शुरू हुआ सियासी कांड अब अभी और आगे बढ़ेगा। इधर रामचरित मानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ही बयान पर कायम नहीं है बल्कि अब उनके बयानों का जो दायरा है वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। दत्तात्रेय होसबोले ने गुरुवार को जयपुर के कार्यक्रम में कहा था कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। होसबोले के इस बयान पर भी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने ही धर्मावलंबियों को नीच, अधम, अपमानित किए, प्रताड़ित किए जाने की बात करता है। सपा नेता स्वामी प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदू धर्म पर फिर से कई गंभीर सवाल खड़े किए। हालांकि स्वामी प्रसाद का ये बयान मायावती के ट्वीट के जवाब में था जिसमें उन्होंने लिखा है कि सपा संविधान की अवहेलना ना करे। अच्छा होता ये महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों जो सभी हिंदू धर्मावलंबी हैं इनके सम्मान की बात करते, हिंदू धर्म भी बचता, हिंदू धर्म का विस्तार भी होता। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ साधु संतों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। महंत राजूदास ने मौर्य के बयान की तुलना उस पतंगे से की है जो भस्म होने के लिए दिए के पास खुद ब खुद जाता है। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब पतंगे को मौत आती है तो दिया की तरफ भागता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही कह रहे हों कि उनके बयानों का 2024 के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है लेकिन असल टारगेट वही है। बढ़ते आगे, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद रामचरित मानस पर रार मचा हुआ है। अखिलेश यादव के समर्थन पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं लेकिन इस बार उनकी अपनी ही पार्टी में विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी की दो महिला नेताओं ने अपनी ही पार्टी के महासचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा प्रवक्ता डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर रासुका लगाने की मांग की है। डॉक्टर रोली ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि सपा नेता पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करती हूँ, चाहे मैं इस पार्टी में रहूँ, चाहे मैं ना रहूँ, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे निकलवा दें पार्टी से, लेकिन सनातन का अपमान मैं स्वीकार नहीं करूँगी। तो सपा की युवा नेता ऋचा सिंह ने तो स्वामी प्रसाद को छद्र समाजवादी बताकर और रामचरितमानस की चौपाइयों पर विवादित बयान देने पर उनसे माफी की भी अपील की है। भाजपा से 2024 के चुनाव में मुकाबला करने के लिए सपा कास्ट पॉलिटिक्स का ताना बाना बुन रही है जिसमें सर्वजन के बजाय बहुजन सियासत को धार दिया जा रहा है।
उससे पार्टी के सर्वर नेता बेचैन हैं। सपा विधायक मनोज पांडे, पवन पांडे से लेकर राकेश प्रताप सिंह, ऋचा सिंह और जूही सिंह जैसे नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर खुलकर मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अखिलेश की शुद्र पॉलिटिक्स पर कदम बढ़ाए जाने से वो चिंता में पड़ गए हैं। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ अपने ही घर में नहीं घिरे हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के बाद अब सपा महासचिव का भाजपा के सिख समर्थकों ने विरोध किया। अपने मुंह पर भगवा कपड़ा बांधे लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने भाजपा के सिख समुदाय के कार्यकर्ता रामचरितमानस की प्रतियां लेकर पहुंचे और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध शुरू कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ में रामचरितमानस की प्रतियां थी जिन्हें वो अखिलेश यादव को देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सपा दफ्तर तक नहीं पहुँचने दिया और उन्हें कार्यालय जाने से पहले ही रोक दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं को देखकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जिसके चलते मौके पर हंगामा हो गया। समीकरण ये जातियां बांटने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, इसको बंद किया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित बयान पर नाराज हुए साधु संतों ने जालौन में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। मानस विवाद में भाजपा ने सपा पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी को दंगाइयों और अराजकों की पार्टी का नाम दिया है। समाजवादी पार्टी प्रदेश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता सजग है और समाजवादी पार्टी को का ये एजेंडा है, ये सफल नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं उत्तराखंड में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी खमासा। तो उत्तराखंड में एक और परीक्षा नकल की भेंट चढ़ गई है। एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद अब एई और जेई की परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जेई और एई की परीक्षा में जांच के आदेश दिए थे। हैरानी की बात यह है कि इसमें भाजपा के एक पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल का नाम भी सामने आया है। प्रारंभिक जांच में और इसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है और हमने कहा है कि इस पर जो पहले से हमारा स्टैंड है सख्त कार्रवाई हो। एई और जेई की परीक्षा 2022 में हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद नकल और पेपर लीक की बात सामने आई। हरिद्वार के कनखल में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मामले में भाजपा नेता का नाम सामने आने पर राजनीति तेज हो चुकी है। लगातार पेपर पर पेपर बेचे जाने के आरोप लग रहे हैं, वो सच साबित हो रहे हैं और फिर एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का नाम सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है कि चाहे दोषी कोई भी हो बिना भेदभाव के काम किया जा रहा है। लगातार एक्शन के बाद भी आयोग की भर्तियों पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में चयन आयोग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इधर उत्तराखंड में नशे को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। हरीश रावत के बयान के बाद अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सरकार पर सवाल उठा दिए। पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत के एक बयान से सियासी गलियारों में उफान है। नशे को लेकर दिए बयान के बाद धामी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड को नशेड़ी राज्य बना दिया गया है। वो बिक रही है राज्य के अंदर, पूरा नशेड़ी राज्य बना दिया। जो कमी है वो शराब की, जहरीली शराब, नकली शराब का हब बना दिया उत्तराखंड को। नशे को लेकर छिड़ी जंग को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और हवा दे दी है। हरीश रावत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे जो आम जनमानस है वास्तव में सबको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और उनका जो ये आरोप है कि उत्तराखंड नशे का अड्डा बन गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो खाली आरोप प्रत्यारोप की बात है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में नशे का कारोबार हाल फिलहाल में बढ़ा हो या धामी सरकार में नशे में बढ़ोतरी हुई हो, ये पहले से ही एक बड़ी समस्या देवभूमि में रही है। हालांकि धामी सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम चला रखी है। उत्तराखंड को ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई है और 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन नशे को लेकर छिड़ी सियासी जंग ने सरकार के अभियान पर धब्बा लगाने का काम किया है। वही यूपी एमएलसी चुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि अखिलेश यादव को निराशा हाथ लगी है। 5 में से 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। समाजवादी पार्टी एक भी सीट पर जीत नहीं पाई। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से लंबा इंतजार करना होगा। वहीं भाजपा की जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला बोला है। तो इनका चरित्र है, हिंदू विरोधी चरित्र है, राम विरोधी चरित्र है, ये उसकी हार है। एमएलसी चुनाव पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बेईमानी करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी
बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए बधाई एक दूसरे को दें। ये कोई पहला चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है। मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि राम का अपमान करने पर सपा को हार का सामना करना पड़ा है। रामचरितमानस का इस प्रकार से अपमान करें तो उनका क्रमशः और भी अधिक पतन होना ये निश्चित है। स्नातक कोटे की तीनों MLC सीटें BJP जीतने में कामयाब रही है, साथ ही एक शिक्षक कोटे की सीट भी अपने नाम कर ली है। तो उत्तर प्रदेश MLC चुनाव में एक बार फिर से भाजपा ने परचम लहराया है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया और सपा को एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा। MLC चुनाव में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने का सपना सपा का अधूरा ही रह गया। समाजवादी पार्टी 5 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार और सिस्टम पर अपनी भड़ास निकाली। MLC का चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि जिलाधिकारी और कप्तान दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा प्रशासन लगा था। क्या उम्मीद करते हो आप उत्तर प्रदेश में इस तरह के चुनाव फेयर हो पाएंगे? दरअसल विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिहाज से सपा के लिए ये चुनाव काफी अहम था, क्योंकि UP विधान परिषद में 100 सीटें हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 9 सदस्य हैं। विधान परिषद में नेता विपक्ष की कुर्सी के लिए कम से कम 10% सीट होना जरूरी होता है, और ऐसे में अगर सपा इस चुनाव में कम से कम एक सीट भी जीत लेती तो उसे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल जाती। समाजवादी पार्टी ने MLC चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाई थी और अपने 18 अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारा था, लेकिन अखिलेश यादव को यहां भी हार का स्वाद चखना पड़ा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने में भले ही साल भर का वक्त बचा है, लेकिन जिस तरीके से शिक्षक स्नातक खंड की विधान परिषद की 5 सीटों के नतीजे आ रहे हैं, उसे यूपी की 40 सीटों का ट्रेलर माना जा रहा है। दरअसल MLC चुनाव में जिन 5 सीटों पर चुनाव कराए गए हैं, उनकी जीत एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करती है। भले ही विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव हुए हों, लेकिन इनमें 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 206 सीटें आती हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की कुल 39 जिले आ जाते हैं। शिक्षक स्नातक MLC चुनाव में प्रबुद्ध जन ही वोट करता है, और ऐसे में तस्वीर साफ है कि 2024 से पहले यूपी का प्रबुद्ध वर्ग किसे पसंद कर रहा है, और यही वजह है कि भाजपा अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का दावा पेश कर रही है। जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी का भाजपा से अलग राय रखती है। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने की बात की है। तो कोशिश यही की जा रही है कि हम अच्छा माहौल बना दें और हमारी ज्यादा सीटें निकले और BJP को हरा सके। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद यूपी की 206 सीटों पर लोगों का क्या मूड है, इन नतीजों से भले ही 100% क्लियर पिक्चर ना मिल पाए, लेकिन चुनाव के नतीजे प्रदेश की सियासत में काफी गहरा असर डालते हैं। इधर आजमगढ़ में रोजगार मेले का आगाज हो गया था, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि रामपुर में आजम खान के खिलाफ फिर से बगावत के सुर तेज हो गए हैं। सपा नेता ने ही आजम खान पर अब सवाल उठा दिए हैं। एक के बाद एक उपचुनाव हारने के बाद रामपुर में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। सपा के हाथ से न केवल रामपुर विधानसभा और लोकसभा सीट गई, बल्कि अब सपा नेताओं में फूट भी सामने आ गई है। अपने ही गढ़ रामपुर में आजम खान के खिलाफ बगावत हो रही है। सपा नेता मशहूर अहमद मुन्ना ने जंग का ऐलान किया है। मशहूर अहमद मुन्ना ने कहा कि आजम खान से आजादी मिलेगी तो सपा मजबूत होगी। इन्हें गलत जिम्मेदारी दे दी आपने, इन्हें हटाइए, नए लोग लाइए पार्टी में, जो मजबूत लोग हैं, पुराने साथी हैं उन्हें बनाइए। इकबाल महमूद साहब बहुत मजबूत आदमी है, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाना चाहिए था। इतना ही नहीं, सपा नेता मशहूर अहमद मुन्ना ने तो यहाँ तक कह दिया कि आजम खान केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं और पार्टी के लिए नहीं। आजम खान तो पार्टी के लिए कोई काम कर ही नहीं रहे, वो तो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, अपने यार दोस्तों के लिए काम करते हैं। ऐसे ऐसे विधायक बना दिए, MLC बना दिए, उनकी विधायक निधि वापस जाती है। रामपुर में आजम खान के खिलाफ पहले भी बगावती सुर तेज हो चुके हैं। आजम खान के सबसे करीबी माने जाने वाले फसाहत अली शानू भी आजम खान से नाराजगी जताई थी, और रामपुर उपचुनाव से ठीक पहले फसाहत अली शानू ने भाजपा ज्वाइन की थी। लिहाजा अब एक बार फिर से आजम खान के खिलाफ पार्टी में ही जंग का ऐलान हो गया है। और इधर आजमगढ़ में रोजगार मेले का आगाज हो गया है और इसकी शुरुआत श्रम एवं सेवा नियोजन मंत्री अनिल राजभर ने की। प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में रोजगार मेला लगाने की योजना है, जिसका आगाज हो गया है। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मेले का आगाज किया है। मंत्री ने दावा किया है कि सरकार रोजगार को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है। मात्र 100 दिन के अंदर 10,000 लोगों को सरकारी नौकरी से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जोड़ दिया था, एक इतिहास बनाने का काम किया था।
विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इस दौरान अनिल राजभर ने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दों से भटककर जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। सदन में बात करें, बाहर बात करें तो विषय से क्यों हट रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा उन सीटों पर फोकस कर रही है जिन सीटों पर भाजपा 2019 में लोकसभा चुनाव में काफी कम अंतर से हारी थी या फिर जीत का अंतर कम रहा था। इसके अलावा उन सीटों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिन पर भाजपा की पकड़ कमजोर है। आजमगढ़ की जिस विधानसभा क्षेत्र दीदारगंज की मार्टिनगंज से मिले की शुरुआत की गई, इस सीट पर फिलहाल समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मतलब साफ है कि लोकसभा की सभी 80 सीट पर कमल खिलाने की तैयारी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 150वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान भी किए। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में होने वाले बार एसोसिएशन के 150वें स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी ने प्रयागराज को न्याय की धरती और हाईकोर्ट को अधिवक्ताओं का कुंभ बताया। प्रयागराज न्याय की धरती है, शिक्षा की धरती है और अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज की धरती पर होनी ही चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर वह होनी चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा ऐलान भी किया। 2500 एडवोकेट चैम्बर बनाने 10,000 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था वहां पर हो पाएगी। इस ऐतिहासिक मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन जिलों में अदालत नहीं है वहां इंटीग्रेटेड कोर्ट बनाने की बात भी कही। लोगों ने जिला मुख्यालयों को भी और कमिश्नरी मुख्यालय को भी इंटीग्रेटेड मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। सीएम योगी ने कार्यक्रम का आगाज किया तो शनिवार को समापन समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू शिरकत करेंगे।